नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि टैंक का काम दोस्तों जो चल रहा था उसके बारे में बताया था कि एक टैंक की दीवार चारों तरफ उठा ली गई थी और दूसरे टैंक की इस टैंक की दीवार ये बची थी सामने की फ्रंट की, तो ये भी दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये पूरी कर ली गई है। और ये आप जो ऊपर बीम देख रहे हैं 9 इंच का सरिये का, तो दोस्तों ये बांध दिया गया है चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों ये सरिये का जाल बांध दिया गया। कल इसकी दोस्तों ढलान होगी और ये पिलर भी दोस्तों 9 इंच के कालम जो कोने पे दिए गए हैं और उधर दिया गया है दोस्तों सारे कोने पे, आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो चारों कोने पे जो पिलर दिए गए ये भर लिए गए हैं और ये दोस्तों ये सरिये का जाल दोस्तों 9 इंच का ये बांध ऊपर बांध दिया गया है। ये दोस्तों ये इतनी इसकी गहराई रहेगी, ये फुल रहेगा ऊपर 9 इंच का ये बीम दे दिया गया है। ये दोस्तों इसलिए दिया गया है क्योंकि जो चारों कोने पे पिलर है इससे दोस्तों इसको फंसा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोस्तों ये इसको फंसा दिया गया है। ये एक पिलर है और एक उस कोने पे पिलर है, चारों कोने पे दोस्तों टैंक के पिलर दिया गया है और इसी तरीके का बीम दोस्तों ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसी तरीके का बीम जो है नीचे दिया गया है, अभी मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों चारों तरफ ऊपर की साइड बांधा गया है जिससे कि कोने से टैंक न निकले और ये बीम आपस में सब जुड़े रहें और टैंक का जो कसाव है वो बना रहे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक बीम दोस्तों ये एक नीचे पड़ा है, ये डाला गया है, ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों एक नीचे बीम डाला गया है ये इस दीवार से। ये दोस्तों ये आप जो बीम देख रहे हैं ये इस नीचे वाली दीवार 2 फीट नीचे गहरी है उसके ऊपर ये बीम डाला गया है। यहाँ तक दोस्तों ये हमारी जो ड्रेनेज बनेगा, जो फर्श रहेगी नीचे की ये रहेगा और फिर उसके ऊपर ये दीवार उठा के, ये आप देख सकते हैं दीवार उठा के और ऊपर एक बीम ये दे दिया गया है, ऊपर जो है ये बीम दे दिया गया जिससे कि आपस में नीचे से और ऊपर से चारों तरफ टैंक की दीवारों का जुड़ाव रहे, कसा रहे, जिससे कि टैंक की जो दीवारें हैं वो फैलें ना दोस्तों, पानी के दबाव से ना फैलें। तो इस तरीके से आप ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बीम नीचे डाला गया है और ये ऊपर ये पिलर दोस्तों सब भर लिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं इधर इधर भी दोस्तों ये बीम नीचे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ये नीचे बीम दिया गया है, उसके बाद दोस्तों ये ऊपर एक ये बीम दिया गया है। ये इतनी गहराई दोस्तों ये टैंक की एक रहेगी, एक नीचे रहेगा जो आपका जब जो आपकी फर्श रहेगी उसके लेवल से रहेगा और एक ऊपर रहेगा सबसे ऊपर ये एक बीम रहेगा। इससे दोस्तों आपके टैंक की मजबूती और बढ़ जाती है और जो कोने से टैंक निकलते हैं वो नहीं रहते हैं, दीवार फटने का बिल्कुल खतरा नहीं रहता है। ये दोस्तों सबसे मजबूत तरीका है टैंक बनाने का, तो इस तरीके से आप टैंक को बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये चारों कोने पे पिलर 9 इंच का कालम और ये कल दोस्तों इसकी भराई की जाएगी, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों ये बांध दिया गया है और ये बीच में एक पार्टीशन किया गया है क्योंकि 2 टैंक है दोस्तों 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, ये आप देख सकते हैं। तो और ये एक बीच में पार्टीशन दे दिया गया है, एक टैंक ये हो जाएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक टैंक ये रहेगा पूरा और एक टैंक ये आपका ये वाला रहेगा, ये आपको उधर से मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये आप सीमेंट टैंक बनाकर और मछली पालन कर सकते हैं, पंगेसियस का दोस्तों इसमें कल्चर होगा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें पंगेसियस का बैकर जिसे कहते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2 टैंक दोस्तों 20 फीट चौड़ान, ये चौड़ाई इसकी 20 फीट इधर की रहेगी और ये लंबा दोस्तों 30 फीट लंबा 2 टैंक बने हैं, 60x20 का ये है पूरा और एक बीच में दोस्तों ये एक पार्टीशन बीच में एक दीवार उठा दी गई, इससे 2 टैंक दोस्तों हो गए, ये 60 फीट लंबा है इसमें 2 टैंक बना लिए गए, ये आप देख सकते हैं 60 फीट करीब ये पूरा दोस्तों बीम ऊपर दिया गया, इसी तरीके का बीम दोस्तों नीचे दिया गया है, नीचे फेस में जो ऊपर ये बीम देख रहे हैं इसी तरीके का नीचे दिया गया है। ये आप टैंक के अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बीम आप सामने देख रहे हैं दोस्तों ये चारों तरफ ये देखें ये बीम दिया गया और ऊपर जो ये सरिया जो आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये ऊपर दिया गया है, ये आप देख लें ये ऊपर का है और ये दोस्तों जो आप नीचे देख रहे हैं ये नीचे का है और ये नीचे वाले बीम के बराबर नीचे फर्श रहेगी, इसमें भी कुछ मिट्टी का पटाव करना है और उसके बाद ड्रेनेज दोस्तों ये बनेगा, ये आप देख लें
तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें पंगेसेस का कल्चर कर सकते हैं, और जैसे जैसे काम होता जाएगा और जब इसमें सीड पड़ेगा और सीड निकालने तक का सारा अपडेट आपको हमारे चैनल पे दोस्तों मिलती रहेगी। जैसे जैसे इसमें काम होगा और फिर सीड पड़ेगा तो सारी जानकारी दोस्तों आपको, ये आप देख सकते हैं ये दो टैंक दोस्तों ये बन रहे हैं, एक टैंक ये है मेरा और एक टैंक उधर दोस्तों, ये दो टैंक बन रहे हैं। एक टैंक की लंबाई 20 फीट चौड़ा 30 फीट लंबा दो टैंक बन रहे हैं दोस्तों। कल इसकी दोस्तों ये ऊपर की ये बीम ये भरा जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक नीचे बीम दिया गया है, ये जो बीम आप देख रहे हैं नीचे ये दीवार 2 फीट नीचे है, उसके ऊपर ये बीम दे देगा, यहाँ पे दोस्तों ये फर्श पड़ जाएगी और फिर उसके ऊपर 9 इंच की दीवार उठा के ये ऊपर में एक ये 9 इंच का ये आप देख सकते हैं इस कोने से उस कोने तक पूरा बीम दे दिया गया है। ये चौड़ान है और लंबाई में भी दोस्तों ये दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ये लंबाई में भी पूरा वहाँ तक दे दिया गया है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।